Welcome to Code Guide. In today's video, we are going to discuss sample question paper term 1. This video will be in bilingual. It means ये English और हिंदी normal एक language में है ताकि ज़्यादा better तरीके से समझ आ सके. ये video हमारी computer applications code 165 जो class 10th के लिए एक computer science का सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पेपर हमारा 50 मार्क्स थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल की फॉर्मेट में है. सो इस वीडियो में हम 25 मार्क्स जो टर्म वन के लिए असाइंड है उस वीडियो उसको डिस्कस करेंगे कि ये 25 मार्क्स आपके किस तरीके से आप इसमें कंप्लीट फुल 25 स्कोर कर सकते हैं, पेपर को किस तरीके किस पैटर्न से आप कवर करें, अपने पेपर की तैयारी कैसे करें, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे. टाइम अलाउड आपका 90 मिनट्स है. पेपर इज ऑफ 3 सेक्शंस ए बी एंड सी. सेक्शन ए हैज़ 20 क्वेश्चंस. अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चंस. इसका मतलब आपके पास 4 क्वेश्चंस की चॉइस है. सेक्शन बी हैज़ 20 क्वेश्चंस. यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 16 क्वेश्चंस. अगेन आपके पास 4 क्वेश्चंस की चॉइस है. सेक्शन सी हैज 10 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटैम्प्ट 8 क्वेश्चंस. तो आपके पास यहाँ 2 क्वेश्चंस की चॉइस है. सो टोटल इन ऑल आपके पास 50 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ विच आपको 40 क्वेश्चंस कवर कर. ठीक है, अच्छी चॉइस है जिसको आप वाइसली कवर करेंगे. ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. नाउ आपके 40 मार्क्स का पेपर है जो स्केल डाउन होके आपका 25 मार्क्स में इवैल्यूएट होगा. मान लीजिए आपके 40 में से जितने मार्क्स आए हैं वो आपके आउट ऑफ 20 फॉर्मूला से एडजस्ट करे जाएंगे. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए. सेक्शन ए आपका है 20 मार्क्स का. ऑल क्वेश्चंस आर एमसीक्यू टाइप. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कम्स अंडर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी. बेटा मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट साथ साथ समझाती जाऊंगी ताकि आप इसको अच्छे से इसका बेनिफिट उठा सकें, ना कि खाली ऑप्शंस कवर करेंगे. सबसे पहले आप समझिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसके लिए आप कोई फीस पे नहीं करते. इट इज़ फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट. And you can make some modifications also, but if you cannot sell it further. तो आप इसके और जिनके आप कुछ license fee देते हैं वो proprietary software होते हैं. So आपके Photoshop is proprietary software. MS Paint is by Microsoft. This is again proprietary. Windows भी आपका Windows software is proprietary software. Operating system है जिसके लिए हमें एक license fee pay करनी पड़ती है. बट लिनक्स भी बोलते हैं और लिनक्स भी बोलते हैं इसको. लिनक्स जो है वो हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है. सो करेक्ट आंसर इज सी. और ये हमारा यूनिट है साइबर एथिक्स. नेक्स्ट है HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन. H1 इज हेडिंग. H लाइन कोई टैग नहीं होता. नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज HR इज द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये आपका यूनिट है HTML 1 यूनिट से आपका ये क्वेश्चन है 1 मार्क. सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मींस डेटा इज एक्सेसिबल बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. नहीं, क्योंकि आप जब सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो ये अनऑथराइज्ड पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर सकता. डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. यस, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैपेंस इजीली. ये आपका सिक्योर डेटा का फीचर नहीं है. No one can access it, but only authorized people can access. ठीक है, so this option B is correct. और ये भी आपका cyber ethics unit से है. Next question आपका आता है HTML से. तो P plus Q, next question हमारा है P plus Q square. तो आप इसमें आपके पास टैग होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट. सुपर माने ऊपर, जो हमारा सब माने डाउनवर्ड्स. तो
तो ये आपका सुपरस्क्रिप्ट है, कहाँ, आउटसाइड द ब्रैकेट, तो पी प्लस क्यू ब्रैकेट, ये एज इट इज आएगा। अब सब तो हो नहीं सकता क्योंकि सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। अब ब्रैकेट, ब्रैकेट्स भी हैं तो इस ऑप्शन में ब्रैकेट्स नहीं हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग है। अगर हम इसको सुपर करेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन ठीक नहीं है क्योंकि ब्रैकेट के बाद टू सुपर होके आएगा, तो पी प्लस क्यू सुपर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द यूनिट HTML। विच HTML टैग कॉजेज ब्राउजर टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक्स, ठीक है। सो अब ये हमारे टैग्स हैं, इटैलिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए, स्टाइल नहीं, इटैलिक्स नो, दिस इज रॉन्ग। I/I इज फॉर इटैलिक्स एंड B/B इज फॉर बोल्ड। सो जैसे U/U इज फॉर अंडरलाइन, तो आप इसमें और ऑप्शंस क्या आ सकती हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, सो बोल्ड इज B/B, U/U इज अंडरलाइन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर HTML 1। द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्ट एन इमेज इज, अब हमें पता है कि हमारा IMG टैग जो है दैट इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग इमेजेस, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट है SRC, हाइट। अब आपको ये देखना है कि हमारे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, HREF नो, हालांकि ये IMG टैग से शुरू हो रहा है लेकिन यहाँ सोर्स आता है जब आप किसी इमेज का नाम देते हो, तो ये भी गलत है क्योंकि ये /GIF भी आ गया, IMG के बाद एट्रीब्यूट नहीं दिए। SRC इमेज, SRC इक्वल टू इमेज डॉट जिफ, इमेज टैग है, IMG टैग से शुरू होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये भी हमारा किससे है, HTML यूनिट्स। नेक्स्ट इज विच एट्रीब्यूट इज नॉट वैलिड फॉर द बॉडी टैग। अब इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो भी शेयर करूंगी जिसमें मैंने HTML, आप सारी HTML आपकी रिवाइज हो जाएगी इन 10 मिनट्स। उसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग्स भी हैं जैसे टेबल टैग या लिंकिंग, आप इसमें से बॉडी टैग का बहुत अच्छे से एट्रीब्यूट्स, इट्स ओनली 1 मिनट, आप इसकी एक टेबल बना के रख सकते हैं कि बॉडी के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, BG कलर, V-Link, ठीक है। अब हमारे पास बैकग्राउंड क्या करता है, बैकग्राउंड में इमेज देने के काम आता है, BG कलर बैकग्राउंड कलर के काम आता है, V-Link गिव्स द कलर ऑफ विजिटेड लिंक, बट कलर जो है वो टेक्स्ट का एट्रीब्यूट, इसका एट्रीब्यूट नहीं है कलर, तो हम इसको, ये हमारा एट्रीब्यूट नहीं है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड दिस इज अगेन फ्रॉम HTML। डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। अब आपको लोकेशन देनी है, आप सोर्स, मतलब आपको फाइल का सोर्स देना है। ऑल्ट क्या करता है कि अगर ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट देता है, अब इसका क्या यूजेज है कि जब आपका जो स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन जो होती है या टेक्स्ट टू स्पीच, बेसिकली टेक्स्ट टू स्पीच के टाइम पे इमेज की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑल टैग में दी जाती है फॉर इमर्सिव एक्सपीरियंस। अलाइन आपकी इमेज की अलाइनमेंट देता है, मिडल, लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, और तो नेम भी इमेज का एट्रीब्यूट नहीं है। सो SRC इज यूज टू स्पेसिफाई द location of an image file, so this option B is correct, again this is from HTML. Next is which of the following is not an example of intellectual property right, isko IPR bhi bolte hain, intellectual property rights kya nahi hai, jaise hamara general physical world mein hum kai cheezon pe apna right dete hain, this is my house, this is my notes, kai baar aisa hota hai aapne notes likhe aur kisi bacche ne aapke notes teacher ko dikha diya ki ma'am maine kiya, तो वो दैट इज़ नॉट गुड। सिमिलरली इन वर्चुअल वर्ल्ड, इसमें आपके आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है या रियल वर्ल्ड में, जैसे म्यूज़िक है तो आप उसके पेटेंट कराते हैं या ट्रेडमार्क कराते हैं, अब इसमें से कौन सी चीज़ आपकी IPR के अंडर नहीं आती, वो है पासवर्ड। तो पासवर्ड आपका क्योंकि दो लोगों के पासवर्ड सेम हो सकते हैं ना, तो आपके IPR जो है उसके अंदर पासवर्ड इज़ नॉट एन एग्जाम्पल एंड दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर साइबर एथिक्स। मैं ये चैप्टर के नाम आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर हमारा कोई चैप्टर, हम किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है कि एक चैप्टर से कितनी वेटेज है क्वेश्चंस की, और जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं वो नॉलेज बेस्ड हैं, दे आर ईजी वंस, वो टाइम सबके लिए इक्वल है, तो आप इसमें थोड़ा कम टाइम देंगे, अगर लर्न करा हुआ है तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी होंगे, आपको 90 मिनट्स हैं
40 क्वेश्चन है तो आपके पास अच्छा टाइम है, इनको आप एक मिनट से ज़्यादा टाइम ना दें। द एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाइज एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड ड्यू टू एनी रीजन। तो ऑल टैग के मैंने आपको दो यूजेस बताए, दूसरा होता है अगर आपकी इमेज ओपन नहीं हो रही, इमेज नहीं है तो आपका उसमें ऑल टैग इमेज में डिस्प्ले होता है, इस पेज पे डिस्प्ले होता है, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट देता है किसी इमेज के लिए ऑल टैग। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ना कि टूल टिप, ऑल्टरनेट और टेक्स्ट तीनों रॉन्ग है। सो ऑल्ट एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव ऑल्टरनेट टेक्स्ट। HTML से अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम HTML। वाइल क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। अब आपकी इमेज की हाइट और विड्थ जो है वो सेंटीमीटर में नहीं आती जब आप वेब डॉक्यूमेंट में करते हैं, ना ही डॉट्स पर इंच में आती है, ये प्रिंटर के एट्रीब्यूट्स हैं, ना ही इंचेस में, ये आती है आपकी इन टर्म्स ऑफ पिक्सल्स। एंड दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम HTML। आपको वीडियो के एंड में ये बताना है साइबर एथिक्स चैप्टर में कितने क्वेश्चन साइबर एथिक्स से हमने करे हैं कवर और कितने क्वेश्चन हमारे HTML से हैं। सो आई विल सी द कमेंट बॉक्स एंड गिव गुड appreciation to the correct answer. Next question is, Preeti needs to send a very confidential message to her colleague. One second. So question number 12 is, Preeti needs to send a very confidential message to her colleague in office over a secure channel. She uses a technique where in an actual message where is in readable form can be converted into unreadable message. This concept is known as, now आपके पास एक secure channel में एक message send करना है, actual message readable form में है जिसको हमने unreadable form मतलब उसको encrypt कर देंगे, जब हम उसको encrypt कर देंगे वो पढ़ा नहीं जाएगा, तो एक normal message को unreadable form में encrypted form में change करने के process को कहते हैं encryption, और उसके reverse को कहते हैं unreadable को वापस readable में बोलते हैं डीक्रिप्शन। सो द कंसेप्ट इज इंक्रिप्शन। प्लेजरिज्म नहीं होगा आंसर, ना ही इसका आंसर डेटा सिक्योरिटी होगा। प्लेजरिज्म होता है किसी के डेटा को कॉपी करना और उसको अपना डेटा बना के शो करना, इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। अगेन दिस इज फॉर साइबर एथिक्स। विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। अब कमेंट क्यों देते हैं, कमेंट हम इसलिए देते हैं, वो हमारे कोड का पार्ट होता है लेकिन एग्जीक्यूशन का नहीं होता, वो आपके वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होता। कमेंट लिखने से आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी बढ़ती है, आपको लेटर ऑन पता चल जाता है कि मेरे को ये कोड, मेरा ये पोर्शन इस, दिस इज़ फॉर दिस वर्क। और आप कमेंट जो है, जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट खोलोगे आपको वो कमेंट प्रोग्रामर के लिए बहुत यूजफुल होते हैं, ना कि यूज़र के लिए। सो कमेंट्स जो होते हैं अब वो आपके लिखे जाते हैं, दिस वन एक्सक्लेमेटरी साइन एंड डबल हाइफन इज द करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी बिगनिंग में आएगा, दो हाइफन और दो हाइफन के बंद, यहाँ एंड जहाँ लिखा है यहाँ आप वो टेक्स्ट देते हैं जिसको आपने कमेंट बनाना है। अगेन दिस इज फ्रॉम HTML। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस दैट आर इंसर्टेड इन द वेब पेज इज, अब जो जितने भी आपके अलाइनमेंट होते हैं, आप जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है इमेजेस का वो होता है हमारा इन लाइन विद टेक्स्ट, तो बाकी लेफ्ट राइट और मिडल आपको अलाइन एट्रीब्यूट के साथ अप्लाई करने पड़ते हैं, बट द डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज इन लाइन विद टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। अब ये जो है ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया, किसी भी डेटा को रीडेबल से अनरीडेबल फॉर्म में लेके आने को बोलते हैं एनक्रिप्शन। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन होता है जब हम किसी चीज़ के जो लॉग इन आई डी आप करते हैं, लॉग इन मीन्स ऑथराइज यूजर ही उसको लॉगिन कर सकता है, वो होता है ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन हम करते हैं पासवर्ड से, पासवर्ड से आप उस चीज़ को ऑथेंटिकेट करते हो, यस दिस पर्सन इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस। सो ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड इंक्रिप्शन, दीज थ्री आर टेक्निक्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम चैप्टर साइबर एथिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम, प्लेजरिज्म इज साइबर क्राइम, ठीक है। फिशिंग भी साइबर क्राइम है। फिशिंग में क्या होता है, आपको वो वेबसाइट सामने आती है जो एक्चुअल नहीं है, और हम जो ज़्यादातर लोग होते हैं उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं, प्लेजरिज्म, और इससे इनका दिस इज ऑल्सो मतलब अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। इससे सब अपना पासवर्ड वगैरह या बैंकिंग डिटेल्स भी किसी की हैक हो सकती है, हैकिंग इज ऑल्सो अ साइबर क्राइम, प्लेजरिज्म इज ऑल्सो साइबर क्राइम। यूजिंग लाइसेंस्ड
सॉफ्टवेयर, ये कैसे हो सकता है क्योंकि ये तो एथिक है, तो दिस इज नॉट अ साइबर क्राइम एंड अगेन दिस इज फ्रॉम चैप्टर साइबर एथिक्स. डैश इज द सॉफ्टवेयर फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द सोर्स कोड रिमेन विद द ओनर. अब कैसा ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपके सारे मॉडिफिकेशन के राइट्स ऑथर के पास होते हैं, फ्री ओपन सोर्स को तो कोई भी चेंज कर सकता है, फ्रीवेयर में आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ओपन सोर्स में भी आप चेंजेस कर सकते हैं, बट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर वेयर ऑल द राइट्स आर विद ऑनर एंड दिस इज अगेन फ्रॉम द चैप्टर साइबर एथिक्स. अब मैं साइबर एथिक्स के लिए सीई और एचटीएमएल के लिए एच लिखूंगी. अ डैश इज द राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रोटेक्ट इन्वेंशन फ्रॉम बींग यूज और कॉपीड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. और इसका हमारा जो आंसर है, अब कॉपीराइट एक ऐसा कॉपीराइट जो है फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो अगर हम किसी चीज़ को पेटेंट करा लेते हैं तो वो हमारा कुछ फिक्स पीरियड के लिए, कोई जब भी कोई इन्वेंशन होगी आप उसको पेटेंट कराते हैं, तो पेटेंट इज फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. विच ऑफ दीज इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग. फॉन्ट, अब फॉन्ट टैग के हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट है. फॉन्ट, जब हम यहाँ फॉन्ट लिखते हैं तो फॉन्ट के अंदर आप क्या करते हो, साइज चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का फेस चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, बट टाइप इज नॉट एनी एट्रीब्यूट. तो दिस आंसर इज करेक्ट. सो कलर गिव्स द फॉन्ट कलर, फेस गिव्स द स्टाइल एंड साइज गिव्स द साइज ऑफ द फॉन्ट. सो आंसर इज फॉन्ट टाइप. एंड दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम HTML, this question is from cyber ethics, right? The next question is, the last question of this section is 20th number question. The dash tag displays in subscript form. So I have told you subscript, SUB is for subscript, SUP for superscript, sub-S and sup-S is no, are not any, these are not the correct tags. So answer is subscript and this is from the chapter HTML. So this ends the section A here. So out of these 20, you have choice of 4 questions. Because section B, this section B contains 20 questions, out of which you have to do 16 questions. This section is related to understanding. इस section में आपको जितने questions मिलेंगे बेटा, they are understanding based. अब आपको इन questions को थोड़ा समझ के फिर answer करना. So Arun, clicks on a link received in a message on his phone which promises him a complimentary trip to a destination of his choice. He forwarded this message to his friend Panchul and asked him to do the same, but Panchul refuses and tell Arun that his personal and private information such as online account name and information, login information, password can be stolen and he should be careful of such type of attacks. So aapko kuch char cheeze di hain, aapko ye dekhna hai ki iska kya meaning hai. कई बार हमें फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट मिल जाता है, बट यू शुड नो द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन. स्पैमिंग जो होता है वो आपको बहुत सारी बल्क मेल आना उसको स्पैमिंग बोलते हैं. प्लैजरिज्म किसी चीज़ को कॉपी करना, और स्कैमिंग कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड पॉइंट आप नहीं मेंशन कर सकते. इसमें फिशिंग जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि एस फिशिंग क्या होता है, फिशिंग होता है आपको जो जो साइट्स हैं वो बहुत रियल लगती हैं, बट दे आर एक्चुअली नॉट द रियल साइट. जब आप किसी लिंक को क्लिक करते हो, आपने देखा है व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स फॉरवर्ड होते हैं और कभी उसमें किसी किसी तरह के ऑफर्स मिले होते हैं और बहुत सारे लोग उसको क्लिक करते हैं, उससे क्या होता है हमारा सारा डेटा अटैकर के पास चला जाता है. सो दिस इज इन अटैक्स को बोलते हैं फिशिंग अटैक. इनसे बचने के लिए आप कभी भी ऐसे लिंक्स को क्लिक मत करो जो मतलब जो आपको किसी भी तरह से फिशी लग रहा है, मतलब वो अच्छी ठीक नहीं है, तो हमेशा वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करो और देन यू कैन फाइंड आउट द एक्चुअल साइट. तो ये हमारा साइबर एथिक्स चैप्टर से क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एचटीएमएल कोड. इस एचटीएमएल कोड में अगर आप देखेंगे आपको एक कोड गिवन है, ये ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड टाइप आपको लिस्ट की टाइप बताता है. हमारे पास बेसिकली 5 टाइप की लिस्ट होती है, रोमन, स्मॉल रोमन, कैपिटल ए, स्मॉल ए, लोअर केस, अपर केस एंड नंबर. अब आपको ये देखना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है. आई है तो हमारे पास रोमन होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो कैपिटल तो ऑप्शन ही आपकी रॉन्ग है. स्मॉल, इन दोनों को तो आप डिस्कार्ड कर दो. इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपकी लिस्ट है नंबर के बाद डॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर. इसमें डॉट नहीं है इसलिए ये रॉन्ग आंसर है.
आपको बहुत केयरफुली ऐसे छोटे छोटे पॉइंटर्स को चेक करना होगा. दिस इज फ्रॉम HTML. चार्लिन इज एन आर्टिस्ट. शी डिस्प्लेज हर वर्क ऑन द इंटरनेट यूजिंग हर वेबसाइट टू अट्रैक्ट बायर्स. वन डे वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट शी डिस्कवर्स अनदर आर्टिस्ट हैज डिस्प्लेड हर पेंटिंग पोर्ट्रेइंग इट एज इट्स ओन. तो कैसा ये विच राइट ऑफ चार्लिन वॉज इन्फ्रिंज्ड. अब किस तरह की इन्फ्रिंजमेंट हुई है उसके साथ, क्योंकि उसका जो काम है वो किसी और आर्टिस्ट ने उसकी पेंटिंग को अपने नाम से दिखाया हुआ है. तो इस तरह के जो एक्ट्स होते हैं दे कम अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. किसी और की चीज़ को अपने नाम से पब्लिश करना कम्स अंडर द, सो शी हैज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन दिस. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इन्फ्रिंजमेंट किया गया. तो अगर आप किसी भी चीज़ को रेफर कर रहे हैं ऑलवेज एक्नॉलेज द पर्सन जिसके भी आप रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, और उसकी परमिशन के बिना आप यूज़ नहीं कर सकते. आप अपने नाम से तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते. सो दिस इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर साइबर एथिक्स. विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द लार्जेस्ट टेक्स्ट साइज. आपको ये चीज़ क्लियर है कि H1 जो है लार्जेस्ट हेडिंग है और H6 इज़ द स्मॉलेस्ट. तो आउट ऑफ दिस H2 इज़ द करेक्ट आंसर. वी कैन क्रिएट अ नंबर लिस्ट यूजिंग विच टैग. नंबर लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट. तो हमारा आंसर जो है, आंसर हमारा करेक्ट है 25th. दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग. अब साइबर बुलिंग में आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का यूज हुआ होता है. सो कॉपिंग अ क्लासमेट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट हर परमिशन फ्रॉम सोशल मीडिया अकाउंट एंड सेंडिंग टू द अदर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल साइबर बुलिंग है. एंड बुलिंग अ क्लासमेट इन द स्कूल कॉरिडोर इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग. सो दिस इज फ्रॉम साइबर एथिक्स. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लिस्ट विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट. बुलेटेड लिस्ट मतलब अनऑर्डर्ड, जहाँ कोई ऑर्डर नहीं है. HTML. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. विच सीक्वेंस इज करेक्ट. आपको पता है जब आप HTML कोड लिखते हैं तो HTML कोड के दो पार्ट्स हैं, हेड एंड बॉडी. सो जब हेड फिनिश होता है तो बॉडी स्टार्ट होती है. और हमारे जो कंटेनर टैग होते हैं, एक टैग जब ओपन होता है उसको हम पहले बंद करते हैं, फिर उसका आउटर टैग बंद होता है. तो HTML/HTML हेड, पहले हेड बंद होगा, हेड के अंदर टाइटल क्लोज होगा और बॉडी उसके बाद क्लोज होगी. सो दिस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अब बाकियों में देखेंगे आपका ये ऑर्डर जो है वो करेक्ट नहीं है. सो दिस इज़ फ्रॉम HTML एंड ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. प्रथम इज़ एक्साइटेड टू यूज़ अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्रीली अवेलेबल टू डाउनलोड बट ही कैन नॉट मॉडिफाई और चेंज द सोर्स कोड. प्रथम इज़ यूजिंग वॉट. अब आपने देखा कि वो नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है जो फ्रीली अवेलेबल है, लेकिन सोर्स कोड को चेंज नहीं कर पा रहा. तो आंसर है फ्रीवेयर. फ्रीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बट आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. ओपन सोर्स में आप चेंजेस कर सकते हैं कोड में. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रियांशु हैज़ रिटन द फॉलोइंग कोड स्निपेट एज पार्ट ऑफ HTML प्रोग्राम. अब आपको बोल्ड इसने टैग जो लगाया है, मिस्ट्री मून शुड बी इन द बोल्ड लेटर. दिस इज नॉट बोल्ड, दिस इज बोल्ड. ये बोल्ड इटैलिक्स और ये इटैलिक्स है आंसर में. सो आंसर नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके पास कोड है, आपको इसमें बताना है कि पैरामीटर्स का करेक्ट ऑर्डर क्या है. ठीक है. सो आपके पास है इमेज SRC इक्वल टू इमेज नेम, विड्थ और हाइट. आपको विड्थ चाहिए 250 pixels, हाइट चाहिए 400 pixels. सो यू विल राइट हेयर 250 एंड 400 विदाउट एनी कोड. सो यहाँ ये तो नहीं आएंगी, एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं आएंगी. और दिस इज ऑर्डर इज रॉन्ग. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस इज फ्रॉम HTML. टैग्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज DL, DT, DD. ऑल थ्री टैग्स आर यूज. सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ डिजिटल डिवाइड. अब डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है जो टेक्नोलॉजीज की इनइक्वालिटी किसी भी पर्टिकुलर डेमोग्राफिक रीजन में. तो क्या क्या हो सकता है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है बिल्कुल. अगर कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हायर होगी हर कोई इसको परचेज नहीं कर सकता. लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी एक रीज़न हो सकता है डिजिटल डिवाइड का. लैक ऑफ एक्सेस टू हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, ये डिजिटल डिवाइड का रीज़न नहीं है. एंड लैक ऑफ एक्सेस टू द डिसेबल भी कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ डिजिटल डिवाइड. सो साइबर एथिक्स चैप्टर एंड सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ एनक्रिप्टिंग डेटा इज अ सीजर सिफर वेयर ओरिजिनल डेटा इज रिप्लेस्ड बाई अ की कैरेक्टर. लाइक इफ की इज -2 देन ए विल रिप्लेस्ड बाई स्मॉल y. तो -2 है तो रिवर्स ऑर्डर में जाएगा
और अगर आपकी की टू है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ए सी से रिप्लेस होगा। तो पहले आप ए बी सी डी पहले कंप्लीट लिख लें इस तरह के क्वेश्चन में। सो आई एम राइटिंग द एंटायर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और आपकी जो स्ट्रिंग है जो है वो कंप्यूटर लिखा हुआ है, हम इसको सी ओ एम पी यू कैपिटल यू स्मॉल टी कैपिटल ई स्मॉल आर। अब मैं इसको चेक करती हूँ, कैपिटल सी विल बी रिप्लेस बाय ई, क्योंकि इसमें लिखा है एक लेटर छोड़ के आपको जाना है नेक्स्ट लेटर। सो इफ इट इज सी इट विल बी कैपिटल ई। अब आप यहाँ से देखेंगे ये ऑप्शन जो आपकी वैसे भी ऑप्शली ख़त्म हो गई, कट गई, डिडक्ट हो गया, इसमें से डिड्यूस कर दिया। अब स्मॉल ओ विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल क्यू, कैपिटल एम विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल ओ, स्मॉल पी विल बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल आर, कैपिटल यू विल बी रिप्लेस्ड बाय डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन रिमूव हो गया, दिस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आप इसको और कंप्लीट कर सकते हो, स्मॉल वी कैपिटल ई विल बिकम कैपिटल जी एंड आर इज टी। सो दिस इज ऑप्शन इज करेक्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। रिवर्स करोगे तो दैट विल बी डिक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 इज फ्रॉम एचटीएमएल, आपको डिस्प्ले करने हैं ये दो रेडियो बटन विद डिस्क्रिप्शन ऑल्सो मेल फीमेल। तो आप करेक्ट ऑप्शन जब चेक करेंगे, दिस इज रेडियो टाइप इक्वल टू रेडियो, एंड रेडियो बटन नहीं होता टाइप, करेक्ट टाइप है रेडियो। और इसमें आपके पास नेम जेंडर है, जब रेडियो बटन करते हैं दोनों नेम सेम होते हैं फॉर ऑल द ऑप्शंस, तो ये इस एक कंबाइन हो जाता है, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, ये दोनों कंट्रोल का नाम सेम है। वैल्यू मेल और फीमेल है, बट यहाँ आपको डिस्प्ले भी करना है, तो ये आपकी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकियों में आप चेक करेंगे, यहाँ पर बी आर गिवन नहीं है, कॉमा है, कॉमा नहीं यूज़ करते हम, यहाँ पर आपके पास लेबल नहीं गिवन, और इधर आपका रेडियो बटन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गगनदीप हैज रिटन द कोड टू डिस्प्ले द इमेज इन द बैकग्राउंड बॉडी बी जी ग्राउंड, बी जी ग्राउंड इज रॉन्ग। आई हैव ऑल्सो आपके साथ मैंने डिस्कस किया है कि बॉडी बैकग्राउंड जो होता है टैग वो यूज़ होता है इमेज को बैकग्राउंड में देने के लिए, तो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू एनिमल डॉट जे पी जी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रिवाइज एच टी एम एल इन 10 मिनट्स की वीडियो और पेज क्रिएशन की वीडियो दूंगी मैं, जो भी मैं आपको लिंक्स शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देखेंगे तो दैट वीडियो दोज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर रिविजन पर्पज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू अवॉइड प्लेजरिज्म वैन यूजिंग इन मटीरियल फ्रॉम द इंटरनेट। तो आपके पास जो है एम्बेडिंग जो होता है वो कोई तरीका नहीं होता जिससे कि आप प्लेजरिज्म जो है हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकें, तो आप रेफ़र करिए, पैराफ्रेज करो किसी चीज़ को, या आप अपने डॉक्यूमेंट में उस पर्टिकुलर लिंक को साइट करेंगे। सो दीज आर द थ्री करेक्ट वेज ऑफ यूजिंग मटेरियल फ्रॉम इंटरनेट, करेक्ट 1, 2, and 3 ओनली। दिस इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर साइबर एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैग टू क्रिएट पासवर्ड फील्ड इन एच टी एम एल इज टाइप इनपुट, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड विल क्रिएट अ पासवर्ड फील्ड इन द फॉर्म्स, इट इज फ्रॉम एच टी एम एल। विच ऑन द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन ऑप्शन इन अ ड्रॉप डाउन सिलेक्शन लिस्ट, इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ सिलेक्शन लिस्ट दैन सिलेक्ट टैग इज करेक्ट, बट टू टैग टू डिफाइन ऑप्शन इज ऑप्शन। सो आंसर नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू यूज लोअर केस कैरेक्टर इन द लिस्ट इज ओएल टाइप इक्वल टू, अल्फा भी कोई ऑप्शन एट्रीब्यूट नहीं है, लेटर भी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड फ्रॉम एच टी एम एल चैप्टर। सेक्शन सी इज एप्लीकेशन बेस्ड एंड हियर यू हैव टू आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आपको एनी 8 क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्ट। तो आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट फ्रॉम साइबर एथिक्स, गीतिका हैज क्रिएटेड सोशल अकाउंट, शी इज वेरी एक्साइटेड एंड वेटिंग सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन, शी हैज रिसेंटली गॉट एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस हाई स्कूल एंड डज नॉट नो मैनी स्टूडेंट्स। When she logs into her social media a few days later, she finds that someone is posting negative, demeaning comments on her social media profile. She is also getting repeated mails from unknown people. Whenever she goes online, she is trolled by multiple unknown people. इस मतलब आप अगर इस केस स्टडी को देखते हैं तो आप देखोगे कोई
सोशल मीडिया पर उसको स्टॉक कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है. तो शी इज़ विक्टिम ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्राइम? शी इज़ विक्टिम ऑफ साइबर स्टॉकिंग. विच ऑफ द, दिस इज अगेन फ्रॉम साइबर एथिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक? बेसिकली आप ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इमीडिएटली ऑनलाइन जाना छोड़ देंगे या सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट करेंगे तो आपको कोई ट्रैक नहीं कर रहा. नॉट शेयर विद दिस एनीवन, क्योंकि उसको डर से कुछ और ऐसे लोगों का बिहेवियर. सो दीज टू ऑप्शन आर नॉट करेक्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स. सो दिस ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट. फिर उसके पेरेंट्स एक्शन लेंगे. सो सबसे पहले उसको पेरेंट्स को बताना है एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ स्कूल अथॉरिटीज. एंड बट दिस एक्शन हैज़ टू बी टेकन इधर बाय पेरेंट्स और बाय हर. शी हैज़ टू कंप्लेंट एट द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. और स्नैपशॉट्स भी लेके रख सकते हैं ताकि आपको कंप्लेंट करते टाइम ईजी रहेगा. यू हैव सम एविडेंसेस इन दैट केस. आफ्टर हियरिंग हर ऑडियो स्कूल डिसाइड्स टू पब्लिश अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट डिटरमिन्स द अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स वाइल यूजिंग द इंटरनेट. द स्कूल इज रेफरिंग टू वॉट? School is referring to cyber ethics. Cyber ethics means how to behave online. Githika is advised by her best friend Sirat to protect her personal information from international or intentional or unintentional attacks by others. This is known as data privacy. So she told her to safeguard her information, and that comes under the Act Data Privacy. The computer teacher of Githika's class decided to take online session on the topic netiquette, which generally includes safeguarding, obviously saving password, creating how to save sensitive information, logging out of social media account after the session ताकि कोई उसको दोबारा use नहीं कर सके और even उसका misuse ना कर सके. Not bullying or trolling anyone by disrespecting them or passing inappropriate remarks. So this is again the netiquette. So all of the above option is correct. This is from cyber ethics, and this is actually these all questions are from cyber ethics. Next is case study 2 from HTML. Here a web page code is given and 5 lines for 5 questions are given. Let's see every question one by one. Line 1. In line 1 some options are given and you have to choose the correct option here. So if we see in the line 1, heading 1 tag is given and closing tag is missing. So the correct option is /H1, option number D. Choose the correct option from the following to fill up the line number 2. If you go to line number 2, line number 2 is the font, color red, size 5, here face is missing. So correct answer is face. There are attributes, face, font, color, so face is missing. Answer number 47, B part is correct. Choose the correct option from the following to fill up line number 3. Let's check line number 3 is. Line number 3 is font tag is not closed. So here slash font will come. You have to see the code, which tag is open, which tag is closed. So after P, you can see after P there is font tag and it has to be closed before the slash P. So slash font is the correct answer. So let's see, the correct answer is slash font is the C part, is the right answer. And from HTML, choose the correct option from the following. Let's see, line number 4 says li. So here slash li will come to close. Let's see the correct option number here. Slash li is given as 49 number question, B part. Choose the correct option to fill up in line number 5. And line number 5 says, line number 5 says closing of UL tag. So answer is slash UL. So in the, if you see these case studies questions, and one second, this slash UL is correct. So in the case study questions, there may be any code is given like forms, like ordered list, inserting image, any kind of code. So आपको इसके लिए code लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए. आप description box में बाकी जो videos के link दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए और अपने paper की बहुत अच्छे से तैयारी करिए. I will come with more sample papers, more guest papers for you. All the best and thank you so much for listening. And put your comments in the chat window. If you have any doubt, write down in the chat window. I'll try to give all the possible answers.
थैंक यू सो मच।